हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केशव इलेक्ट्रॉनिक। आज मैं बताऊंगा सेलिंग फ़ैन। देखिए, ये सेलिंग फ़ैन का मैं स्टेटर रखा हूँ। इसमें एक ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है, और चौथा वायर जो है इसका यहाँ से निकला था, ये टूट गया है। तो ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है, तो इसे मैं ठीक करके बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले, यदि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे केशव इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले तो मैं सीरीज टेस्टर से चेक करके आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, ये मेरा सीरीज टेस्टर रहा। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। इसके बाद ये देख लीजिए, देखिए जला, ये भी ठीक है। और यहाँ से टूट गया था तार, इसीलिए मैं यहाँ एक पहले इसको ब्लेड से घिस दूंगा उस कॉइल को, और फिर सोल्डिंग करूँगा। तो चलिए मैं घस के बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको लौके। देखिए, एक बार ये था और एक वायर ये है और एक वायर ये है, और चौथा वायर जो था इस कॉइल से निकला हुआ था। ये थोड़ा देख लीजिए, इस कॉइल से निकला हुआ था, तो इसमें से टूट गया है। तो मैं इसको आप लोग दिखा दूँ, ब्लेड से थोड़ा इसको घिस दिया हूँ, इसे अच्छी तरह से थोड़ा घिस देना है इसको। और चलिए मैं इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये सीरीज लैंप तो यहाँ है, ये जला, ठीक है। और इस ये भी ठीक है, एक बार और इसको चेक करके दिखा देता हूँ, ये भी ठीक है। तो दोस्तों, अब क्या करना है, इसको सोल्डिंग करना है। तो चलिए मैं आपको सोल्डिंग करके दिखा देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब, ताकि हर एक टेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। और मैं जो लोग नए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग मिस्त्री है, कारीगर है, उसके लिए तो ये नई बात तो नहीं है, ये तो पुरानी बात है। लेकिन जो नए व्यक्ति हैं उसके लिए, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैं करके ऐसा बता रहा हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा सोल्डिंग डाल के डाल देता हूँ। उसके तो मैं कर लिया, और अभी इसमें वायर लगाने की बात है। तो चलिए मैं ये चार वायर लगाऊंगा, 1, 2, 3, 4। देखिए, इसमें बहुत आसानी है लगाने में वायर, लेकिन इसका वायर इधर से है। देखिए, कनेक्शन उधर करना है और ये निकलेगा वायर इधर से, क्योंकि इसका थोड़ा वाइंडिंग के समय इधर उधर हो गया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं वायर, देखिए मैं लगा के बता देता हूँ आप लोगों को।
देखिए दोस्तों, मैं इसमें स्लिप पाइप डालू लगाऊंगा इतना बड़ा, ताकि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। इसमें स्लिप पाइप डाल दिया हूँ, और इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। देखिए इसमें मैं सोल्डिंग कर दिया हूँ, सोल्डिंग कर दिया हूँ। इस 3D टेस्टर को इधर रखते हैं, देख लीजिए आप लोग, इधर अच्छी तरह से दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर सोल्डिंग किया हूँ, ये ठीक है। अब मैं इसको तीनों वायर को जोड़ के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, तो मैं इसमें स्लिप पाइप डाल दिया हूँ सभी में, और इसको तो मैं सोल्डिंग कर चुका हूँ पहले से। तो चलिए इसको जोड़ के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जोड़ लेता हूँ आपके सामने में। देखिए ये इसको अच्छी तरह से जोड़ना है, ताकि ये लूज ना रहे। लूज रहेगा, स्पार्क करेगा, तो ये जल जाने फिर से आपका लूप कनेक्शन टूट जाएगा या जल जाएगा, इसलिए इसको आप लोग अभी अच्छी से जोड़ ले। अच्छा से इसे आप सोल्डिंग भी कर सकते हैं। और चलिए मैं इसको, इसे जोड़ने के बाद इसमें स्लिप पाइप ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं। देखिए मैं बाहर वाले दोनों कॉइलों की सिरे से मैं इसको रेड वायर को जोड़ा है, और अंदर वाले यानी कि स्टार्टिंग कॉइल में ये जोड़ूंगा। चलिए तो मैं इसको, देखिए देखिए अभी इस यहाँ इस पर भी स्लिप पाइप को चढ़ा देते हैं। बस हो गया, और ये लास्ट बचा है, इसको भी मैं इसी तरह वहीं पर जोड़ दूंगा। चलिए इसको भी मैं ये ज्वाइंट कर लिया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको तार को ज्वाइंट कर तो कर ही लिया था, मैं इसको अब बांध भी दिया हूँ इसके सेफ्टी के लिए, ताकि ये तार खिंचाए नहीं। और मैं इसको, देखिए एक बार बात और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इसको थोड़ा लंबा वायर लगाया था, बहुत लंबा है, तो इसको आप एक उंगली बड़ा करके यानी 3 इंची ऐसे इतना कनेक्ट काट ले। अब मैं इसको सीरीज लैंप से टेस्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सीरीज टेस्टर से आप लोगों को टेस्ट करके बता देता हूँ, ये ठीक है
और ये भी ठीक है, मैं चेक करके दिखा दिया। और देखिए इसमें बॉडी अर्थ भी नहीं है, बॉडी अर्थ भी चेक कर देता हूँ, देखिए बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो चलिए अब मैं इसको बॉडी में इसको फिट करके दिखा देता हूँ आपको। ये है इसका नीचे का हिस्सा, देख लीजिए। तो मैं इसमें ग्रीसिंग व्रीसिंग करके रखा हूँ, ये भी ग्रीसिंग कर दिया हूँ। चलिए तो इसको इसे फंसा देते हैं इसमें, देखिए। अब इस चारों वायर की इस होल से बीच में कर लेंगे ऐसे। देखिए देखिए हो गया। दिख रहा होगा साथ फ्रेंड, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। यहाँ मैं चिन्ह मारा था खोलते समय इसको, क्योंकि दोनों को मिला के तो ऐसे में पंखा बैठ जाता है और आपकी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए बैठ गया। तो चलिए मैं इसको टाइट करके बता दूँ आपको। मैं चार वायर निकाला हूँ, तो इसको कॉमन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर दोनों को ऐसे आपस में ज्वाइंट कर दूँगा। और कैपेसिटर और देखिए ये कंडेंसर, कंडेंसर के बारे एक रेड वाले के साथ। और एक इसके साथ कैपेसिटर में रेड ब्लैक का सिस्टम नहीं रहता है।